तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है इट्स सुमित कुमार। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लच के ऊपर, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्लच आपका एक ऐसा मीडियम है गाड़ी के अंदर जो आपके इंजन को आपके गियर बॉक्स के साथ कनेक्ट करता है, जो आपकी गाड़ी को स्पीड देता है। तो क्लच एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ड्राइविंग के अंदर। तो अक्सर क्लच छोड़ने का रूल जो है कि फर्स्ट गियर आपको लगा के धीरे धीरे छोड़ना है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन ये सब जानने के बाद भी जो नए ड्राइवर्स हैं वो क्लच छोड़ते समय गलती कर देते हैं और कई बार गाड़ी बंद हो जाती है, जो कि थोड़ा सा शुरू शुरू में इरिटेटिंग होता है। तो आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलर उसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्लच को कैसे छोड़ना है और क्लच को यूज करने के कुछ तरीके। तो सबसे पहले मैं आपको आज लाइव डेमोंस्ट्रेट करके बताऊंगा मेरी टाटा टियागो में कि क्लच को कैसे छोड़ना है, क्लच के फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जानकारियां जानने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सुमित कुमार झारिया के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो कि मैं नीचे पॉप कर दूंगा। तो चलिए अब वीडियो को आगे शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपनी टाटा टियागो के ड्राइविंग सीट पर बैठा हूं, और इसे ये जो पेडल आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं क्लच, ये होता है आपका ब्रेक और ये होता है आपका एक्सेलरेटर, जो कि बहुत ही कॉमन सी चीज है, हम सभी लोग ये जानते हैं। तो सबसे पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, और हम अभी लाइव डेमोंस्ट्रेट करके बताएंगे कि नए ड्राइवर्स अक्सर गलतियां क्या करते हैं जिनसे कि गाड़ी जो है स्टार्टअप लेते समय फर्स्ट गियर में बंद हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जो है क्लच दबा के मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया है। नई कार्स में आजकल ये फंक्शन आ रहा है जिससे कि अगर गाड़ी गियर में रहे तो गाड़ी एकदम से आगे नहीं बढ़ती अगर बच्चे कुछ छेड़खानी कर दें तो। उसके बाद आपको हैंड ब्रेक रिलीज करना है और क्लच को हमेशा ध्यान रखे पूरा प्रेस करना है। जैसे कि कुछ लोग आधा प्रेस करते हैं, कुछ लोग 30%, कुछ लोग 50%, कुछ लोग 70% क्लच को प्रेस करते हैं, जो कि गलत है। आपसे जितना ज्यादा हो सके लास्ट इसकी जो लिमिट है वहां तक आपको क्लच को प्रेस करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट गियर लगाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाते हैं। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्लच को धीरे 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 छोड़ रहा हूं, और लगभग मैंने क्लच को 30% तक छोड़ दिया है। मेरी गाड़ी अभी भी आगे नहीं बढ़ी है, आप देख सकते हैं। और अभी मैं क्लच को जैसे मैंने 40% या 50% के आसपास छोड़ा, मेरी गाड़ी मूव होने लगी। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो मेरी गाड़ी मूव होने लग गई है, बिना एस्केलेटर का यूज किए मैंने गाड़ी को मूव कराया है। अब मैं आपको रोक के जो गलतियां की जाती है वो मैं बताता हूं। जैसे कि अभी मैंने गाड़ी को फर्स्ट गियर में लगाया और अभी मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। अब नए जो ड्राइवर्स होते हैं क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा इन्होंने क्लच को छोड़ा, जैसे ही छोड़ा और गाड़ी अगर जब मूव होने लगी तो एकदम से गाड़ी को ऐसे छोड़ देते हैं क्लच को। तो आपको एकदम से नहीं छोड़ना है, जब आपकी गाड़ी प्रॉपर एक मूव होने लगे, जब गियर की स्पीड में आ जाए, जैसे कि हर पर्टिकुलर गियर की एक स्पीड होती है, तो फर्स्ट गियर की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से 8 किलोमीटर पर आवर के बीच में होती, उस स्पीड में जब आपकी गाड़ी चलने लगे तब आपको पूरा क्लच छोड़ देना है। तो ये तो रही हमारी बात की क्लच को कैसे रिलीज करना है। अब इसी तरीके से जब आप सारे गियर्स चेंज करें, जैसे कि जब आपने फर्स्ट गियर लगाया और आपने क्लच छोड़ दिया तो आपकी गाड़ी मूव होने लग गई, उसके बाद जब गाड़ी स्पीड में रहेगी तब उतनी समस्या नहीं आती, आपको फिर सेकंड गियर लगाना है, फिर क्लच को छोड़ देना है और एस्केलेटर को प्रेस करना है, फिर आपको थर्ड गियर लगाना है, फिर क्लच को छोड़ना है और एस्केलेटर प्रेस करना है। तो ये जो है सारा सिस्टम आपके फोर्थ फिफ्थ गियर तक वैसे ही चलता रहेगा, और रिवर्स गियर में भी फर्स्ट गियर के जितना आपको एफर्ट फर्स्ट गियर में करना पड़ता है उतना ही एफर्ट आपको रिवर्स गियर में भी करना रहता है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्लच
आखिर वर्क कैसे करता है। अगर आप ज्यादा एस्केलेटर के साथ, ज्यादा फ्रिक्शन के साथ अगर आप क्लच को रिलीज करेंगे तो उससे आपकी क्लच प्लेट को नुकसान होता है। अब क्लच प्लेट क्या होती है और उसे नुकसान किस तरीके से होता है, किन किन बुरी हैबिट की वजह से होता है, उसके ऊपर हम अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए तो आप क्लच को रिलीज करना सीखिए। और उसके बाद आपको मैं जो दूसरी टिप देने वाला हूँ कि आप सिटी में जब ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं तब आपको किस तरीके से गाड़ी चलानी होती है। तो जैसे मैं अभी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी मैंने बंद कर दी थी, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो आपको जैसे सेकंड गियर में, फर्स्ट गियर में मैंने गाड़ी डाली, मैंने क्लच को ही रिलीज किया, मेरी गाड़ी मूव होने लग गई, गाड़ी मूव होने लग गई। उसके बाद मैंने क्लच दबाया, सेकंड गियर लगाया और गाड़ी मेरी फिर से मूव होने लगी। उसके बाद अगर जैसे कोई ऑब्स्टेकल आपकी गाड़ी के सामने आता है तो आपको जस्ट क्लच और ब्रेक के साथ आपकी स्पीड 20 के आसपास ही रहेगी। क्लच और ब्रेक के साथ बिना एस्केलेटर के भी आप चला सकते हैं। ऐसे में कई बार सिचुएशन ये आ जाती है कि आप पूरा क्लच छोड़ नहीं पाते। तो कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि आखिर हम क्लच को पूरा छोड़े नहीं तो क्लच को नुकसान होगा, या किस तरीके से क्लच का इस्तेमाल करें। तो आपके उस कंफ्यूजन को क्लियर करता हूं मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गाड़ी है उस समय आपको बिना क्लच छोड़े ही हाफ क्लच में ही चलानी पड़ती है। तो उस समय आप एस्केलेटर का ज्यादा यूज ना करें। अगर आप एस्केलेटर को यूज करेंगे तो होगा उससे ये कि जो है आपका, आपके इंजन के आरपीएम बढ़ेंगे और आरपीएम के साथ साथ क्लच पर ज्यादा फ्रिक्शन पड़ेगा, उस कारण आपकी क्लच प्लेट का घिसाव होगा। तो उम्मीद है आपको ट्रैफिक में किस तरीके से और फर्स्ट गियर में किस तरीके से क्लच को छोड़ना है ये सारी बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखें अपना। नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।